पीला हरा नीला, जी हाँ, जितने रंग इन मटकियों के हैं उतने ही रंग सीरियल कुछ रंग प्यार के में भी है। लेकिन फिलहाल तो इस सीजन में घर में सिर्फ टेंशन का रंग देखने को मिल रहा है। वो क्या है ना कि सोनाक्षी और देव के घर आ गया है नॉनवेज। शुद्ध शाकाहारी हैं ये लोग और घर में मांसाहारी खाना आ जाए बवाल तो होता ही है। ऐसे में खाना किसने मंगाया है? इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। फूट नहीं रहा है। हे माय गॉड, आपने पूरा घर अनप्योर कर दिया है। अब पूरा शुद्ध करना पड़ेगा। हे देव दीक्षित के घर आखिर कौन ऐसा आ गया है जिसने इच्छा जताई है मांसाहारी खाना खाने की? इनकी डेयरिंग इतनी बढ़ गई कि हमारे हाउस में नॉनवेज उठा लाए, पर ऐसा क्यों कर देंगे? लेकिन मैं नहीं ला, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि इस घर के किसी सदस्य ने इस सोनाक्षी के पापा आखिर किसके कहने पर इस घर पे मांसाहारी खाना लेकर आए हैं? बच्चों के साथ बड़े बूढ़े सभी मिलकर एक खेल खेल रहे थे, लेकिन तभी अचानक से मामी जी ने हल्ला मचा दिया। मामी जी ने मुद्दा बना दिया कि घर में कहां से आया मांसाहारी खाना। अब जब सबको पता चला कि इस घर में ये नॉनवेज खाना किसी और ने नहीं बल्कि ईश्वरी देवी ने मंगाया है, फिर क्या ये सभी चौंक गए। अब भी दादी है, दादी का मन माना नहीं कि क्योंकि उनका पोता आयुष है ना, उसे नॉनवेज खाना पसंद है। फिर क्या है, पोते का दिल जीतने के लिए, पोते को अपने पास रखने के लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद को थोड़ा बदल लूं। तो वही पोते ने भी जब दादी की मुंह से ये सारी बातें सुनी तो उसने दादी को अपने गले लगा लिया। भाई वाह, ये तो अच्छा हुआ दादी और पोते मिल गए। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, उसने गिव अप कर दिया था ये कि उसे कभी सुनने मिलेगा शायद, क्योंकि बहुत बार उसने कोशिश की थी। तो इंसान को हमेशा ऐसे मिलता है, जब चीज़ चाहिए होती है नहीं मिलती, और जब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते मिल जाती है तो वैसे है। और रही बात देव और सोनाक्षी की, तो वो तो मिलकर रहते ही हैं। देव एंड सोना रीडिस्कवर देमसेल्व्स एंड एक्चुअली गो बैक, मतलब पहले जो करते थे उसे वापस दोहराने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। फिलहाल जाते जाते सोनाक्षी को हम यही कहेंगे कि देव बाबू को थोड़ा सा संभाल कर रखना, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई है जो जल्द ही दस्तक दे देगी। मुंबई से निशि मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।